हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का भी क्लास हमारा सेकंड ईयर से रहेगा। सेकंड ईयर में हम कोर्स 11 पर बात कर ही रहे हैं लगातार। तो सेकंड ईयर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कोर्स 11 से रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग IFSP and IE। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा एग्जाम में कि व्यक्तिगत परिवार सेवा यानी कि IFSP, ठीक है ना, व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्लानिंग या प्रोग्राम और व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। विकास और कार्यान्वयन में परिवार की क्या भूमिका है, यानी कि वो कह रहे हैं IFSP में और IPs में, उसमें IFSP और IPs में परिवार की क्या भूमिका है जब हम IPs को विकसित करते हैं, IP लागू करते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है, या IFSP हम योजना किसी को दे रहे हैं तो उसमें परिवार की क्या भूमिका है। फर्स्ट नंबर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, हिंदी में व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक, क्या भूमिका है, सबसे पहले IPs की देख लेते हैं। IP विकास और कार्यान्वयन में परिवार की भूमिका। IPs क्या है, व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम में या इस कार्यक्रम में क्या है, हम व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम में क्या करते हैं, किसी छात्र को या किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है ना, उसको एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं। ठीक, उस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार और स्तर के अनुसार शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें, विधियां और विधियां होती हैं, तकनीकें होती हैं, बहुत सारे अप्रोचेस यूज करते हैं, बहुत सारे अगर हम बात करें अधिगम सामग्री यूज करते हैं, ठीक है, और विविध विधियों के माध्यम से, ठीक है, जिसमें क्या है बल्कि डिसिप्लिनरी टीम भी चलती है, इन सभी के माध्यम से शिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि IPs हम केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए बनाते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए भी हम अब IPs लागू होने लगी है हर स्कूल में। ठीक है, तो व्यक्तिगत शैक्षणिक एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न विधियों के द्वारा, तकनीकों के द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो IP विकास और कार्यान्वयन में परिवार की क्या भूमिका है। IP बनाने में समिति के सदस्यों और शैक्षणिक निर्णय निर्माताओं के रूप में माता पिता की भूमिका 1975 में सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, जिससे अब विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम IDEA के नाम से जाना जाता है। ठीक, IDEA का मानना था कि माता पिता की भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता है और माता पिता के अधिकार और जिम्मेदारियां उचित और व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए आवश्यक घटक के रूप में बच्चे के शिक्षा के बारे में निर्णयों में माता पिता की सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करें। उससे क्या होगा दोस्तों, एक तो ये कि बच्चे को सबसे ज्यादा माता पिता जानते हैं, सभी जानते हैं कि सबसे पहला विद्यालय या सबसे पहला जो पाठशाला होती है बच्चे का घर होता है और सबसे पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, तो शिक्षक से ज्यादा माता पिता जानते हैं कि मेरे बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, किन किन चीजों में रुचि है, वह कैसे काम करना पसंद करता है, किस शैली को अपनाना चाहता है या किन किन क्षेत्रों में उसे काम करने की आवश्यकता है या क्या सिखाने की आवश्यकता है, वो कैसे करता है, कहाँ करता है, क्यों करता है, कब करता है। ठीक है, जब IPs में ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी, बच्चे के बारे में अगर हम जान लेंगे तो IPs में हमें कार्य करने में कोई भी ऐसे नहीं अड़चन आएगी, हम कह सकते हैं कि कोई भी परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर बच्चे को हम अच्छी तरीके से जानते हैं तो जो लक्ष्य हमारा है, जो हम गोल सेलेक्ट किया है, उस गोल को अचीव करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि टीचर सिखा रहा है और पेरेंट्स से ये सीख रहा है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। अब विधियां कौन कौन सी है वो टीचर अप्लाई कर रहा है, ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि बच्चे को समझने में और शिक्षक को समझाने में आसानी होती है अगर माता पिता की भागीदारी शामिल होती है, ठीक है। और इससे ये भी फायदा कि माता पिता को जानने का अवसर मिलता है, मेरा बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, कब सीख रहा है, ठीक है। तो उनको भी घर पर जाकर कोई भी होमवर्क हो गया, किसी भी प्रकार की गतिविधि सिखाने में आसानी रहती है, ठीक है। इसीलिए इनकी भागीदारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अच्छा, क्या क्या भूमिकाएं निभाते हैं आईपीस के अंदर माता पिता? आईपी के बारे में छात्र के साथ खुलकर संवाद करना, और संवाद का या मतलब वो कम्युनिकेट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन करना, और आईपी टीम के साथ एकजुट होकर समर्थन करना। समर्थन का मतलब हो गया उनकी सहायता करना, ठीक। आईपी के बारे में छात्र के साथ, आईपी में जो जितने भी हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, उसका जो क्राइटेरिया है, आईपी के बारे में खुलकर बात करना, यानी कि ओपनली बच्चे के बारे में बताना, समझना और समझाना। और जो आईपी टीम है, जिसमें क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम भी काम कर रही है, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, और भी बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं इसमें, तो उनके साथ क्या है कि सहायता करना, ठीक है, एक साथ मिलकर। दूसरा क्या भूमिका निभाते हैं कि छात्र के व्यवहार, कमजोरियों, शक्तियों और रुचियों के बारे में जानकारी प्रदान करें, ताकि टीम के सदस्यों को उन क्षेत्रों के बारे में पता चले जिनसे वे अपरिचित हैं। छात्र के ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, पेरेंट्स की छात्र की जो कमजोरियां हैं कैसे पता चलेंगी शिक्षक को, समझ रहे हैं, उन कमजोरियों को बताने में भूमिका निभा रहे हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या रुचियां हैं, तो ये सभी जानकारी कौन प्रदान करेगा, माता पिता करेंगे, और उन क्षेत्रों के बारे में पता चलेगा जो शिक्षक नहीं जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, सभी बैठकों में भाग लेना, सभी अनुरोधित दस्तावेज प्रदान करना, ईमानदार रहे, स्कूल के बाहर के व्यवहार और कौशलों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करना है, उन्होंने बच्चे के साथ काम करना है, और सभी जो हमारे टीम मीटिंग्स होती है उन सभी मीटिंगों में भाग लेना है, जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हो गई, ठीक है, या बहुत सारी स्कूल में आजकल मीटिंग चलती है, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होना है, को करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल करना है, ठीक है, उसमें भाग लेना है, चाहे वो इनडोर एक्टिविटीज हो चाहे आउटडोर एक्टिविटीज हो, सब में उनको क्या है भागीदार बनना है, और क्या है स्कूल के बाहर भी छात्र के बारे में वो बहुत सारा उनके व्यवहार को बताएं, उनके कौशलों को अच्छे से बताएं, और उससे संबंधित विवरण प्रस्तुत करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कि एक माता पिता की क्या भूमिका है, ठीक। फिर कह रहे हैं, आईपी योजना संवाद और निर्णय लेने के सभी क्षेत्रों में एक प्रतिबद्ध समान भागीदार बनना। वो कह रहे हैं आईपी योजना के संवाद में, यानी कि आईपी योजना के बारे में एक अच्छा निर्णय ले और सभी क्षेत्रों में एक प्रतिबद्ध समान भागीदारी, यानी सभी क्षेत्रों में, जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो पढ़ने लिखने से संबंधित हो, खेलकूद से संबंधित हो, चाहे घरेलू कार्य से संबंधित हो, सब में क्या है उन्हें भागीदार बनना है। कह रहे हैं, बच्चे के परिवेश के बारे में शिक्षक की समझ बढ़ाना, और बच्चे की शैक्षणिक सेटिंग के बारे में माता पिता को ज्ञान बढ़ाने की भूमिका बहुत बड़ी चीज है। इसमें क्या है, जब छात्र के माता पिता अगर छात्र के शैक्षणिक प्रशिक्षण में अगर शामिल होते हैं, उसकी पढ़ाई में शामिल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो चीज शिक्षक को नहीं पता होता है वो माता पिता बताते हैं, और जो माता पिता को नहीं पता होता है तो शिक्षक उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं, बच्चे के बारे में स्कूल की समझ बढ़ाना, यानी कि बच्चे के बारे में स्कूल को और क्या क्या सुविधाएं प्रदान करनी है बच्चे के स्तर के अनुसार, क्षमता के अनुसार, विकलांगता के अनुसार, तो कह रहे हैं स्कूल की समझ बढ़ाना, इस बात की संभावना बढ़ाना कि घर स्कूल के बीच बेहतर समझ के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि बेहतर समझ के पारस्परिक रूप से सहमत हो, यानी कि वो कह रहे हैं इस संभावना को बढ़ाना कि घर के और स्कूल के बीच एक पारस्परिक जो संबंध है, उस चीज को, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है इन दोनों से, ठीक है, जिसमें माता पिता की मुख्य भूमिका होती है। मतलब कि जो स्कूल में सीखा है वह बच्चा घर पे करे, घर की गतिविधियों में शामिल हो, या जो घर में सीख रहा है उन सभी चीजों का जनरलाइजेशन वो स्कूल में करे, तो इनसे क्या होगा, एक बेहतर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आईएफएसपी में
में क्या है, ISSP क्या है? आई एक ऐसी योजना है जिसमें क्या है ना, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के परिवारों को एक योजना या हम कह सकते हैं एक सेवा प्रदान की जाती है, जिससे कि वे अपने बच्चे के बारे में छोटे से ही उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्री स्कूल से हम कह सकते हैं। IFSP विकास और कार्यान्वयन में परिवार की क्या भूमिका है? IFSP एक प्रक्रिया और एक दस्तावेज दोनों, दस्तावेज इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इसे बोला गया है, जिसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एक परिवार को प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य समुदाय में परिवार और पेशेवरों को जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले छोटे बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के संयुक्त प्रयास में सहायता करना। मतलब छोटे बच्चों के लिए समुदाय में जाकर जो विशेष आवश्यकता वाले छोटे बच्चे हैं 3 वर्ष तक की आयु के लिए, उनको क्या है एक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और कुछ सहायता प्रदान करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कह रहे हैं बच्चे की पहली बैठक, यानी कि सबसे पहले दिन से ही बच्चे कई विषयों के पेशेवरों की विशेषज्ञता शामिल होती है। जब हम किसी फैमिली में जाते हैं तो हमारे पास इतनी स्पेशलिटीज होती है, जिसमें कह रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है, सोशल वर्कर, ठीक है, और हम कह सकते हैं हमारे परामर्शदाता हो गए, ठीक है, ठीक है, तो और डॉक्टर्स हो गए, विशेष शिक्षक हो गए आदि व्यक्तिगत परिवार के रूप में आकर्षक और उपयोगी तरीकों से एजेंसियों और पेशेवरों के बीच उन विशेष सेवाओं का समन्वय होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक, जिसमें क्या है हमारे सारे चिकित्सक होंगे, व्यक्ति के आवश्यकता और विकलांगता के अनुसार उनको सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें व्यवसाय चिकित्सक, बाधा चिकित्सक, समाज सेवक भी है जिसमें, ठीक है, और परामर्शदाता, डॉक्टर्स, विशेष शिक्षक आदि व्यक्तिगत रूप से परिवार के लिए जो आकर्षक, आकर्षक का मतलब है जो उनके लिए सुविधाजनक है, जो उनके लिए अच्छा है, बेहतर है, उनके उपयोगी तरीके से एजेंसियों, यानी कि एजेंसियों का मतलब हो गया बहुत सारे सेंटरों से उनको प्रोफेसर आएंगे और उनके बीच विशेष सेवाओं का समन्वय होता है, जो इतनी सारी टीम एक साथ मिलकर उन परिवारों के साथ काम करती है, ठीक है। अब इसमें परिवार की क्या भूमिका रहती है इस कार्य में, जो सेवा है जो प्रदान की जा रही है वो सारी सुविधाएं IFSP के माध्यम से, तो इसमें परिवार की क्या भूमिका है? कह रही है माता पिता, बच्चे और परिवार की बदलती जरूरतों पर चर्चा और दस्तावेजीकरण के लिए एक पुनर्निर्मित प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि माता पिता जो है बच्चे के परिवार की बदलती जरूरत है, जब उन्हें पता चलता है कि हमारा बच्चा एक विकलांग है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत है, उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजों के, तो उन दस्तावेजीकरण एक है उनके पास, उसके लिए एक पुनर्निर्मित प्रक्रिया, जिससे क्या होगा हम एक शुरू से एक प्रक्रिया चलाएंगे, एक प्रक्रिया होगी जिसमें हम विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता निभाते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं माता पिता की भागीदारी से परिवार केंद्रित सेवाएं, जिसमें बच्चे की जरूरतों और बड़े परिवार जरूरतों दोनों पर विचार करना, ताकि परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाली परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वो कह रहे हैं माता पिता की भागीदारी से लेकर, यानी कि जो हमारी केंद्रित सेवाएं हैं, मतलब कि हमारी केंद्रित सेवाएं किसके लिए है, बच्चे के लिए, छात्र के लिए, तो उससे संबंधित परिवार में जो समस्याएं हैं उनको समझ कर कह रहे हैं, और बड़े परिवार जरूरतों दोनों पर विचार कर रहे हैं, यानी कि बच्चे पर भी और उसका जो एक बड़ा परिवार है उन दोनों पर विचार करके क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाला जो परिणाम होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस परिवार के लिए होगा, उस पर विचार किया जाए और उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिससे परिवार को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट कह रहे हैं परिवार में उनके बच्चे की मदद के लिए समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक, चिकित्सा और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच, मतलब कह रहे हैं परिवार में उनके बच्चे की मदद के लिए क्या है, जो समुदाय में क्या है शैक्षिक,
चिकित्सक यानी कि शैक्षिक यानी कि चाहे हम कह सकते हैं शैक्षिक के लिए स्कूल्स होगा, चाहे स्पेशल स्कूल होगा, इंक्लूसिव स्कूल होगा या नॉर्मल स्कूल हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए और सोशल वर्कर्स जो सेवाएं हैं समाज में उन तक पहुंच सकते हैं किसके माध्यम से, IFSP के माध्यम से, जिसमें परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। कह रही है नेक्स्ट, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में माता पिता को भागीदारी, कक्षा में बच्चे के अनुभवों को, घर में होने वाली वास्तविक दुनिया की गतिविधियों तक बढ़ा सकती है। वो कह रही है कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, जब बच्चे बड़े होते हैं, बचपन से जब होते हैं तो माँ बाप उनको बोलना सिखाते हैं, ठीक है, बोलना करते हैं बच्चों, मतलब माँ बाप को देखकर बच्चे अनुकरण करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, देखना सीखते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं, वो पंखा है कि वो गिलास है, ये पानी है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कौन सिखाता है, माता पिता सिखाते हैं। तो उनकी जो भागीदारी है तो कक्षा में बच्चे के अनुभवों में काम आती है, तो जो अनुभव घर में होने वाली वास्तविक दुनिया की गतिविधि था उनको बढ़ा सकती है। कह रहे हैं एक माता पिता को जो जो माता पिता समझते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में ही क्या काम कर रहा है, उन्हें अपने बच्चों की योग्यता का बेहतर एहसास होता है। मतलब जो माता पिता होते हैं ना अपने बच्चे में शामिल रहते हैं, उसके सभी कार्यों में शामिल रहते हैं, तो उनको पता होता है कि उनके बच्चा क्या है, ये अच्छा कर रहा है, योग्यता का योग्यता बेहतर एहसास होता है, यानी कि जब कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो बच्चे की जो योग्यता है उसका बेहतर एहसास होता है उन माता पिता को जो बच्चों में शामिल होते हैं, और विश्वास और क्षमता में सुधार के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, उन्हें पता होता है कि और बेहतर करने के लिए हम बच्चे के साथ किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, आप अपने बच्चे की शिक्षा में अपनी भागीदारी से उनकी सीखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी भूमिकाएं हैं जो क्या है छात्र को समझने के लिए, ठीक है ना, उनके माता पिता की भागीदारी होनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है ना उस जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी माँ एक टीचर बन जाती है, बैठना, उठना, खड़े होना, चलना, देखना, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं सब कौन सिखाता है, माँ सिखाती है। तो उन चीजों को वो सेंसिटिव जो टाइम होता है उसका, तो उसमें माँ चाहे तो उसको सब कुछ सिखा सकती है, ठीक है। अगर वे ही अनुभव हम क्या है स्कूल में उपयोग करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको जानते हैं और सीखते हैं। तो इसीलिए माँ बाप का बच्चे के कार्यों में शामिल होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये 5 नंबर का टॉपिक आपका है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। और इस यूनिट के जितने भी टॉपिक है ना, ये यूनिट 3 है शायद से, 3 पॉइंट, ये शायद 3 है, 3.2 है ये, लेकिन यूनिट जो आपकी 3 है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 80% एग्जाम के लिए, सभी टॉपिक्स यूनिट 3 के बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।